Hey guys, what's up? Welcome back to another new video. So guys, आज है होली, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली सबको। तो गाइस आज घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, घर की गुजिया और घर का सब रंग खेलने का, सारे फ्रेंड्स को, सबको, पूरे इंडिया को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि होली और दिवाली ऐसा फेस्टिवल होता है जब घर को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद आती है घर की। तो आज मैंने डिसाइड किया कि ये इधर गुजिया बनाते हैं और फर्स्ट टाइम मैं गुजिया बनाने को ट्राई कर रहा हूँ, सो देखता हूँ अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर रखा है मैंने और मैंने उनको पहले ही बोल रखा है कि अगर अच्छा बन जाएगा तो तारीफ़ कर देना और अगर बुरा बनता है तो प्लीज़ चुपचाप खा लेना, कुछ बोलना नहीं। तो देखता हूँ, अभी ट्राई करता हूँ। अभी मैंने ये सूजी भुनने को रख दिया, थोड़ा प्रोसीजर मैंने यूट्यूब पे इधर उधर देख लिया और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा बन जाएगा। तो लगता है कि सूजी ऑलमोस्ट हो गया यहाँ पे, अभी फिर इसमें शायद यार देखूँ क्या बताया था उसमें। सो मैंने सूजी को भून लिया है, अभी इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स को भी भूनूंगा, उसके बाद मावा बनाऊंगा। और मावा बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्राई मिल्क पाउडर, क्योंकि खोआ प्रॉपरली यहाँ पे मिलता नहीं है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ड्राई मिल्क पाउडर और दूध से थोड़ा सा मिला के मिक्स करके खोआ बनाते हैं। मैंने एक रेसिपी देखी थी और ठीक ठाक बन जाता है। तो सूजी हो गया इधर भुन गया और अभी ड्राई फ्रूट्स भूनते हैं और अनफॉर्चुनेटली काजू ख़त्म हो गया, मैंने सब खा के ख़त्म कर दिया। तो अभी मैंने इसे मिल्क पाउडर और दूध दोनों साथ में मिला दिया और अभी इसको मैं चलाना है, बस मुझे थोड़ी देर में खोया बन के तैयार हो जाएगा, खोया जो भी बोलते हैं। तो यार अभी ध्यान आया कि मैदा तो कम पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार ग्रोसरीज लेने गया था मैं तो मैदा लेने आया था, तो सोचा कि भाई चल के यहाँ स्टोर से मैदा ले लेते हैं। और यार और आज काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है लेकिन थोड़ी ठंडी है। सो गाइस दिखाता हूँ आपको कितने क्यूट क्यूट से गुजिया मैंने बनाए, देखो आप। एक चीज़ सच बताता हूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा इसी काम में फटती है और कई बार मैं अपने हाथ जला चुका हूँ। तो गाइस अभी प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है और गुजिया के साथ साथ हमने आलू टिक्की बनाने का प्लान किया था। तो इधर अभिषेक भैया हमारे, हेलो गाइस, सीनियर हैं और ये भाई गुजिया बनाए हैं और इसके बाद अभी आलू टिक्की बना रहे हैं। इधर ये खाने के लिए बंदे को बुला रखा है मैंने, मोटा ताजा सा तगड़ा सा बहुत हेल्दी बंदा अपना मुर्तजा भैया, तो ये हमारी काफी ज्यादा हमें बनाना। सबसे मिल लिया आप लोग, ये हमारी होली वाली पूरी पार्टी हो रही है, हमारा गुजिया बन के तैयार हो गया है और मुर्तजा भाई आए थे तो इन्होंने प्लान किया था कि आलू टिक्की भी खाएंगे, तो आलू टिक्की तो बना के रखी हमने, अभी खाने जा रहे हैं। और एक ये पीछे कैमरे के पीछे बहुत शर्मा रहा है, जल्दी कैमरे में आ नहीं रहा है, तो थोड़ी सी अलग अलग बात है, मैं बताऊंगा आप लोग को क्या बात है, ठीक है। तो सबसे आप लोग मिल लो, अब है मुर्तजा, अभिषेक और इधर भैया हमारे, बता देना तुम्हारा सर, और मुझे तो जानते ही हो गया यार, बुलाया जाए मतलब कमरे के बाहर क्यों है? हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, सब मीठा करवाते तुम कड़वा करवा रहे हो, हमारा ये स्टाइल है, थोड़ा अलग होना चाहिए। वाह वाह, बहुत जिसने भी बनाया है बहुत बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा है, ये जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, मुर्तजा जी ने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, मुर्तजा जी मुर्तजा आ जाते हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सो गाइस हमने बना लिया गुजिया, खा भी लिया और थक भी गए और थोड़े बहुत रन भी खेले, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रन खेलना अलाउड नहीं है, फ्लैट गंदा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं खेले हम ज़्यादा। और बट ओवरऑल अच्छा लगा, एंजॉय किया, घर को बहुत ज़्यादा मिस किया, बट क्या कर सकते हैं।
So guys, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye and have a great time. And once again, happy holiday to all of you.